नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच भारतीय टीम ने 7 विकेटों से अपने नाम किया। ये मैच भले ही भारत ने जीत लिया हो, लेकिन इस मैच से पहले जितना भारतीय टीम पर दबाव था, उससे कहीं ज्यादा टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली प्रेशर में थे। वो लगातार 2 पारियों में 0 पर आउट होकर इस मैच के लिए मैदान पर उतरे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में धमाकेदार अर्धशतक लगाया। फॉर्म में वापसी करते हुए कोहली ने 49 गेंदों पर नाबाद 73 रन बनाए। विराट कोहली ने अपनी खोई हुई फॉर्म को कैसे हासिल किया, इस बात का खुलासा भी विराट कोहली ने मैच के बाद कर लिया। दरअसल कोहली ने मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अपने साथी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स से बातचीत की थी। मैच में उनकी सलाह उनके लिए काम आई। विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, मैंने खेल शुरू होने से पहले एबीडी से एक विशेष बातचीत की और उन्होंने मुझे सिर्फ गेंद देखने के लिए कहा था, ठीक यही मैंने किया। बहरहाल मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 164 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने लक्ष्य को 18 ओवर के अंदर हासिल कर लिया। ईशान किशन और विराट कोहली ने इस मैच में अर्धशतक जड़ा। वहीं विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। टी20 सीरीज में अभी दोनों टीमें एक-एक की बराबरी पर हैं। सीरीज का तीसरा मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। इस मैच को दोनों ही टीमें जीतना चाहेंगी, क्योंकि इस मैच को जो भी टीम जीतती है वो सीरीज में बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।